शुरुआत करेंगे यमुनानगर से, जहां लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में ओपन एयर थिएटर की नींव रखी गई। भूमि पूजन कार्यक्रम में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, हरियाणा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर उपस्थित रहे। ये प्रोजेक्ट लगभग 5.5 एकड़ में होगा और इसके निर्माण पर अनुमानित लागत 53 करोड़ रुपए आएगी। अपने संबोधन में कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर शुरू हुआ था। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इसे यमुनानगर के निवासियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा बताया। ये थिएटर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। अब यमुनानगर में एक ओपन एयर थिएटर खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन करते हुए भूमि पूजन से आज यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, हरियाणा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। और ये ओपन एयर थिएटर क्षेत्र की कला संस्कृति और मनोरंजन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। एक इसकी जरूरत थी, वही एक बहुत बड़ी समस्या भी थी जो प्रीति जौहर जी ने बताई कि आसपास के लोग बड़े परेशान थे कि भाई यहाँ दलदल है, इसमें सांप हैं, नेवड़े हैं, हमारे घर में गुजरते हैं। दोनों चीजों का समाधान है क्या, और जैसी उन्हें दिक्कत रही वैसी अब ज्यादा सुविधाएं उनको मिल जाएंगी। कि जहाँ ओपन थिएटर तो पास उनके है ही, और मेरा ख्याल है काफी आ चुका है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुकंदलाल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर हिंदी के डॉक्टर के एन कपूर, जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि यमुनानगर में ओपन एयर थिएटर होना चाहिए। आज वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। उन तीसरी बार ये जो सरकार बनाई है मोदी जी के, ये बहुत इसके लिए बधाई के पात्र हैं सब यमुनानगर के लोग। और प्रदेश का जब चुनाव आया, हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, इसमें 48 विधायक जीत के आए, बहुमत की सरकार बनी।